सबसे पहले नान का आटा रेडी करेंगे। इसके लिए एक बोल में एक कप मैदा डालेंगे और एक कप ही आटा डालेंगे। मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने यहाँ आटा भी मिक्स किया है। और मैदा भी ज़रूरी है नान के लिए। इसमें आधा चम्मच नमक डालूँगी, एक चम्मच पीसी शक्कर डालूँगी और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और ऑयल को डाल करके बहुत अच्छे से पूरे आटे में तेल को मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने आटे में तेल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ 1/2 कप ताज़ा दही डालूँगी। दही खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए दही। अब इसको अच्छे से आटा तैयार कर लेंगे। हमारा दही से ही पूरा आटा सन जाना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे और आटे को टाइट नहीं लगाना है, रोटी से भी ढीला आटा लगाना है। इसको अच्छे से मसल मसल करके आटा रेडी कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके आटा को चिकना कर लेंगे। ये जो चारों तरफ आटा चिपक रहा था वो सब एक साथ हो गया है। अब इसको गीले कपड़े से ढक करके 1 घंटे के लिए रख देंगे। अब मैं यहाँ चिली पनीर की तैयारी कर रही हूँ। गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें तेल डाल रही हूँ पनीर को फ्राई करने के लिए। पनीर को क्यूब शेप में काट लिया है। अब पनीर को येलो ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये पनीर मैंने घर पर ही बनाया है। पनीर घर पर कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। पनीर को दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब दोनों तरफ पनीर फ्राई हो जाएगा तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए हमारा पनीर फ्राई हो गया है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लूँगी। चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है, आप चाहें तो मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है और पेस्ट कढ़ाई में डाल करके फ्राई कर लिया है। अब इसमें क्यूब शेप में ही प्याज को कट कर लिया है और इसको धो करके प्याज को भी उसी मसाले में डाल दूंगी। अब इसको थोड़ा देर भून लेंगे प्याज को। शिमला मिर्च, ये लाल शिमला मिर्च और हरी शिमला मिर्च को भी क्यूब शेप में काट लिया था, इसको भी कढ़ाई में डाल दिया। इसको भी थोड़ा देर भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक करके पका लूँगी। ये थोड़ा देर हो गया है, इसको फिर से चलाते रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देर इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो अपना जो मसाला था वो चिपक जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ जिससे जल्दी से ये सब्ज़ी थोड़ा नरम हो जाए। अब इसको फिर थोड़ा देर ढक करके फिर पका लेंगे। ये देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है शिमला मिर्च का। इसको फिर से चला लेंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच सेजवान चटनी डाल करके सबको अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स कर लूँगी। अब इसमें 1 चम्मच टमाटो सॉस भी डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें जो पनीर फ्राई किया था वो डाल करके सबको अच्छे से मिला लेंगे। सबको अच्छे से मिला लिया।
सब्जी का कलर कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि बहुत लिक्विडी नहीं बनाना है हमें सब्जी। ये हमारा जो पानी डाला हुआ है वो थोड़ा सा पतला दिख रहा है, तो अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। लेकिन कॉर्नफ्लोर कैसे ऐड करना वो देखिए, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ लिया है। थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे, गांठ नहीं बननी चाहिए, और हिलाते हुए पूरी सब्जी में चारों तरफ डाल देंगे और फिर इसको चलाएंगे। तो देखिए हमारा जो सब्जी का रस था वो गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो बहुत लिक्विड ही बनेगा। अब इसको धीमी आंच में थोड़ा देर पका लेंगे। ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमें जितना लिक्विड चाहिए था सब्जी में उतना लिक्विड है। ये हमारी रसेदार सब्जी है, सूखा चिली पनीर नहीं बनाया, यहाँ रसेदार चिली पनीर मैंने तैयार की है। ये हमारी चिली पनीर बिल्कुल रेडी हो गई है। नान के आटे को रेस्ट किए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे बाद नान का आटा थोड़ा सा फूल गया है। अब इसको अच्छे से हाथ से मल लेंगे, नरम कर लेंगे और खूब अच्छे से मसल मसल करके नान के आटे को नरम कर लिया मैंने। अब एक लोई लेंगे, आप छोटी बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पटे में सूखा मैदा डालेंगे और नान को बेल लेंगे, आप किसी भी शेप में बेल सकते हैं। नान बेल लिया है, इसके ऊपर साइड पानी लगा देंगे। पानी बहुत अच्छी तरह से लगाना है नान के ऊपर। अब गैस तेज करके तवा को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेज गरम में ही नान को जिस तरफ पानी लगाया है उस तरफ रखना है, जिससे नान अच्छी तरह से चिपक जाए तवे पर। अब ये देखिए कितने अच्छे बबल्स आने लगे हैं। बहुत अच्छे बबल्स आने लगे जब तब तवा को उल्टा करके सेकना है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हम तवा को उल्टा करके नान को सेक लेंगे। पहले थोड़ा तेज आंच में सेकेंगे, फिर थोड़ा सा धीमी आंच में सेकेंगे। तो तवे को घुमा घुमा करके नान को अच्छे से सेक लेंगे। नान को चारों तरफ अच्छे से सेकना है, कहीं से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। उसको पलट करके पहले देख लेंगे, जहाँ कच्ची होगी नान फिर से सेक लेंगे। अच्छे से सेकेंगे, नान अपनी नहीं गिरेगी, अच्छे से चिपक गई है तवा पर। इस तरह घुमाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। ये नान सिक गई है। अब नान को स्पैचुला के हेल्प से निकाल लेंगे। पीछे देखिए नान कितनी अच्छी सिक गई है। हमारी नान रेडी हो गई है। अब इसमें ऊपर से बटर लगाएंगे और खाने के लिए नान बिल्कुल रेडी है। इस तरह हमने सारी नान को सेक लिया है, सब नान हमारी रेडी हो गई है। अब हमारा डिनर आज का बिल्कुल रेडी है, नान तवे पर और चिली पनीर।